बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे वैलेंटाइन डे के नाम पर एक हंगामा और शोर बरपा है। आज मेरा मुख्तलिफ मार्केट से गुज़र हुआ तो मैंने देखा कि फूलों की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है और गिफ्ट्स की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है, और हमारी आज की जनरेशन्स फूलों का तबादला करेगी और गिफ्ट्स का तबादला करेगी मोहब्बत के नाम पर। मुझे रियाज खैर आबादी का शेर याद आ रहा है आज के दिन के हवाले से कि बाहर जो मैं निकलूं तो बरहना नज़र आऊं, बाहर जो मैं निकलूं तो बरहना नज़र आऊं, बैठा हूं मैं घर में दरो दीवार पहनकर। इस्लामी तहजीब तमद्दन और सकाफत में खुशियां मनाना इबादत का अव्वलीन हिस्सा रहा है। इसमें खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों के लिए हमदर्दी रखना, इसको बहुत पसंद किया गया है। लेकिन इसके लिए ना कोई दिन मखसूस है, ना कोई हफ्ता मखसूस है, ना कोई महीना मखसूस है और ना कोई साल मखसूस है। ये तो पूरा साल, हर दिन, हर लम्हा हम पर फ़र्ज़ किया गया है। स्पेशली इसके साथ किसी ऐसे दिन को अटैच कर देना और उसमें इस तरह की बिद्दत का इख्तियार कर जाना जिसका हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं। वैलेंटाइन डे मनाना ऐसे है जैसे दुश्मनों के साथ मुशाबित करना। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी कौम से मुशाबित इख्तियार करते हो तो फिर आप उसी कौम से हो, फिर हमारा और उसका कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान ममालिक में सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जिसने वैलेंटाइन डे पर इलानिया पाबंदी इख्तियार की, जिसमें इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया शामिल है। 17 फरवरी 2017 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे पर पाबंदी का ऑर्डर जारी किया और स्टे जारी किया, लेकिन बाद में बदकिस्मती से 2019 में इस स्टे को ख़त्म कर दिया गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें फादर डे, टीचर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे मनाने की बजाय हमें अपने इस्लामी दिनों को मनाना चाहिए।